अपनी बाइक लेके आया हूँ। नया बाइक खरीदी है मैंने, FAZ X। और FAZ X जो बाइक है बहुत अच्छी बाइक है। पिकअप पिकअप सब पिकअप इसका बहुत बढ़िया है। और तकरीबन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी लगी मुझे ये। तो जो भी भाई खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। आज मैं आपको जो इसकी सीट है देखो जैसे इसकी सीट देख सकते हैं। सीट इसकी बहुत इतनी इसका सीट का लुक इतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा उठा उठा सा है। और हम इसकी सीट की कटिंग कर इसको थोड़े राउंड में शेप में लेके आएंगे। देख सकते हैं इसकी सीट बिल्कुल नॉर्मल बाइक की तरह लग रही है, जैसे बहुत सिंपल बाइक हो। पर यहाँ से हमने इसकी चाबी से सीट को खोल लेना है। नई बाइक है, कोई पंगा नहीं ले पाता, नई नई बाइक होती है। जब तो हम नई बाइक से ही शुरू करेंगे बाइक के। अब जो पिन है उसको खोल लेना है। अब अपनी बाइक में ही एक उन्होंने पेचकस दिया होता है, वो पेचकस से आपने इसको धीरे धीरे खोलना है। इस तरह आपने पूरा पिन जो आपकी पिन लगी हुई है उसको निकाल देना है। ये हमारा हनी भाई जो स्पेयर पार्ट की दुकान है इसकी, और इसकी बहुत इसको बिल्कुल ध्यान से खोलना है। देखो आपकी सीट ना कटे सीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इस पर कट लगने का खतरा होता है। जो पेचकस से आपने पिन निकालना है बिल्कुल आराम से निकालना है, ताँ जो आपको कोई परेशानी ना हो और लंबा काम ना पड़ जाए, कोई टक आदि ना लगे इस पर। आप इसको घर पे कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। जो जो स्टेपलर होता है जो पिन लगाता है वो 150 का स्टेपलर आपको कोई भी बड़ी मनियारी की दुकान जहाँ मनियारी नहीं जो स्टेशनरी जैसे बुक की किताबें वगैरह होती हैं वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आपने जी स्टेपलर ले लेना है और स्टेपलर की पिन भी वहाँ से मिल जाती है आपको। और आप एक बार स्टेपलर खरीदोगे तो आपको बार बार काम आ जाएगा, क्योंकि सीट चेंज करने का आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीट आप खुद ही चेंज कर सकते हो। और उसकी लेबर जो 30-40-50 रुपये होती है वो आपकी बच जाएगी। तो ये आप खुद खरीदोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ये देख सकते हैं कि मैंने जो अपनी पिन है उसकी तकरीबन जो पिन है सभी निकाल दी है। उन्होंने बहुत बढ़िया इसकी जो पिन के साथ डबल डबल पिन लगाकर इसकी सेटिंग की हुई थी, बहुत अच्छी। और दिल में थोड़ा सा अजीब सा होता है कि हमारी बाइक नई बाइक है और नई बाइक पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर अपने दोस्तों के लिए हमें करना पड़ेगा।
बाइक की लुक इससे ही बनेगी। देखो बिना सीट के बाइक कैसी लगती है। देखो ये जो हमारी सीट है बहुत उभरी हुई सी लग रही है, जहाँ से हमने पेन से निशान लगा लेना है और दोनों तरफ निशान लगाना है, ताकि आपको आरी का प्लेट जो जिससे आप कटिंग करोगे वो ऊपर नीचे ना जाए। देखो इस तरह बिल्कुल आपने राउंड शेप में काटना है, और आगे जहाँ जहाँ से मैं काट रहा हूँ सिर्फ उतना ही काटना है अपने, कोई जल्दबाजी में गलती ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से देख लें, क्योंकि वो कभी कभी कई आदमियों को नॉलेज नहीं होती तो वो कम ज़्यादा काट देते हैं, तो बाद में सीट हमारी प्रॉपर नहीं बैठती। देखो मैंने ये पूरी राउंड से सेंटर सेंटर में बिल्कुल वो फॉर्म को निकाल दिया है, पूरी राउंड शेप में ये बन चुकी है। जहाँ से आपने सेंटर में बराबर कर देना है, ताँ जो वो ऊपरा ऊपरा ना लगे, क्योंकि ऊपरा बिल्कुल साइड साइड वाली भी हमने साइड से बिल्कुल राउंड करनी है, जो आपका जो सीट कवर है अच्छे से बैठ जाए। मैंने इसको कटिंग कर दिया है और इसकी सीट बिल्कुल आपने अपने ब्लेड को खड़ा कर अच्छे से रगड़ देना है, क्योंकि उससे बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और उसका जो ऊपर नीचे खरबड़ हुई है उसको अच्छे से बैठ जाएगी वो। और उसके बाद अपने जो कवर है आपका, इसमें पॉलोथिन जो लिफाफा डाला हुआ था वो ज़रूर डालना है, क्योंकि वो आपको पानी से बचाता है बारिश में, जब आपकी सीटी गिल्ली हो जाएगी और उसमें पानी नहीं भरेगा उसके जो सीट में, देख सकते हैं कि आप बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है। इसको अच्छे से पकड़ कर बिठा देना है, और जब इसकी पिन लगानी है आपने बिल्कुल प्रॉपर खींच के लगानी है, टाइट करके लगानी है, ताकि उसमें कोई बट वगैरह ना रहे, क्योंकि ढीला रखोगे तो उतना प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा। और लूज सीट इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब तो काफ़ी जो सीट है उसकी लूज़ होने के कारण बड़ी हो चुकी है, आपको आसानी रहेगी पिन लगाने के बाद। थोड़ा समय तो लगता है कि क्योंकि मेरा आधा दिन लग गया ऐसे काम में अकेले को। कभी आप बाहर किसी को बोलोगे कि इस तरह मुझे सीट को सेट करना है तो आपको वो मना कर देगा, क्योंकि वो इतना बारीकी से नहीं करते और बोलेंगे कि ऐसे सेट नहीं होगी, वैसे नहीं होगी, जो कंपनी करके देती है वो परफेक्ट होता है। तो इसलिए मैंने खुद ही किया, मैंने एक दो बंदे से पता किया था, और वो नई गाड़ी को तो हाथ डालने के लिए डर रहे थे कि नई गाड़ी है भाई, कोई बाद में पंगे या झगड़े वाला काम ना हो जाए। तो मैंने तभी खुद ही किया इसको, क्योंकि करना ज़रूरी था, क्योंकि इस पे मेरे जो पैर है प्रॉपर नहीं लगते थे, इसकी तो हाइट है थोड़ी सी, हाइट थोड़ी ज़्यादा है बाइक की, और इसको पिन अच्छी तरह लगा लेना है, क्योंकि
जब आप बैठोगे और उस पे कस पड़ेगी, और ये देखो बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से बन गई है जैसे पहले थी। और इसकी देखो तो शेप कितनी बढ़िया निकली है, तो पहले फूली फूली डट्टू की तरह लग रही थी, मेंढक की तरह, अब वैसी नहीं है, अब वो बहुत बढ़िया लग रही है और पैर भी पूरे प्रॉपर लग रहे हैं। और काफ़ी इसकी 1-2 इंच सीट डाउन हो चुकी है और कंफर्टेबल लग रहा है काफ़ी बाइक। इस तरह आप अभी अपनी बाइक को घर पे ही खोल कर, सीट को खोल कर सेट कर सकते हैं, और ज़्यादा कोई भी बाइक को आप सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है FZ है तो भी कर सकते हैं।